दिवस के अवसर पर नवी मुंबई के पावने में जय अंबे मित्र मंडल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। यहाँ सर्वधर्म सभाओ और राष्ट्रभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। यहाँ सर्वपक्षीय नेताओं ने एक साथ ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी देते हुए भारत को अखंड रखने का संकल्प दोहराया। देखे झलकिया। अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नवी मुंबई के पावने में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। यहाँ सर्वपक्षीय नेताओं और नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान की धुन के बीच तिरंगे को सलामी दी गई। कार्यक्रम में हिंदी भाषी नेता राजेश राय, अफसर इमाम, कमर अली चौधरी, राजेश सिंगले, जय अंबे मित्र मंडल के अध्यक्ष अजय कृष्ण तिवारी और मार्कंडे हरिओम समेत तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक भी मौजूद थे। नागरिकों ने यहाँ लोकतंत्र के सुरक्षा और देश के विकास में अपनी सहभागिता निभाने का संकल्प दोहराया। या पावने गावात उपस्थित सर्व मान्यवर आणि जय अंबे मित्र मंडल आणि व्यापारी मंडल यांच्या तर्फे आयोजित हा आजचा प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम, या पावणे गावात सर्व जातीय सर्व धर्मीय मिळून हा कार्यक्रम साजरा करतात। इथे कुठला जात धर्म आणि कुठला पक्ष हे बघितलं जात नाही, सर्व पक्षीय लोक इथे उपस्थित असतात आणि या माझ्या छोट्या खाणी गावात एक अखंड भारताचं प्रदर्शन होतं, त्यामुळे मी सर्वांचा आभारी आहे आणि उपस्थित सर्व पावणे मंडळी जे माझ्या गावात आज उपस्थित आहे त्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि परत एकदा देशाच्या या प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। अवसर पर मैं सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आए हुए हमारे सभी जो अतिथि गणमान्य थे उनको वो हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त और बहुत सारे सांस्कृतिक और देश से जुड़ी हुई बहुत सारे जो है कि कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं और लोगों का प्यार मिलता है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से हमेशा सबका स्नेह और प्रेम बना रहे। पूरे भारतवासी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का दिन रहता है। आज ही हमारा संविधान बना और हम भारतीयों को अपना काम करने का अवसर मिला और इस दिन को हम जितना भी उत्साह से मनाएं वो कम है। खास करके मैं आज पावने गांव की बात करूंगा जो जय अंबे मित्र मंडल की तरफ से एक कार्यक्रम होता है, ऐसा देश में बहुत कम मिलने को देखने को मिलता है कि जहां सब जाति धर्म के अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी बिना कोई अपने मनभेद किए, भले हमारे विचारों में मतभेद है लेकिन राष्ट्र के नाम पर एक साथ सब लोग जुटकर इस पर्व को मनाते हैं, इससे बड़ा कोई और खुशी की बात नहीं हो सकती। और मैं जय अंबे मित्र मंडल और उनकी टीम को, हरिओम जी को, तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो मेरा एक सुझाव था कि अपने किसी भी सैनिक का सम्मान होना चाहिए इस पर्व पर, और उन्होंने जो सैनिक का सम्मान किया उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। ये पौने गाँव जय मित्र मंडल द्वारा जो आयोजित यहाँ पर गणतंत्र दिवस का यह प्रोग्राम जो रखा गया था उसके लिए उनके सारे टीम को मैं बधाई देता हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे आ करके कि यहाँ पर एक मिनी इंडिया के जैसा माहौल है, सारे जाति धर्म प्रांत भाषा के लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। बहुत मिलजुल के लोग यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर लोग सहयोग दे के काम कर रहे हैं। जय मित्र मंडल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके सारे टीम को स्पेशली आपको केवट जी को और तिवारी जी को और सुधीर शर्मा जी को, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह का अच्छा कार्यक्रम किया। आपको मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पार्टी समाजवादी पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारी लोग मौजूद हैं उनकी ओर से मैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की खूब सारी बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए।
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।